गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे 9 दिसंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो क्योंकि आज सैटरडे है, आज हमारा रिवीजन सेशन नहीं रहेगा, इसलिए जो भी क्वेश्चन मिस्ड आउट थे इस वीक में उनको हम आज कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन सेज, इंडिया अनाउंस्ड अ $250 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट टू विच कंट्री फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ इट्स एग्रीकल्चरल सेक्टर। हाल ही में इंडिया ने किस कंट्री के लिए $250 मिलियन अनाउंस किए हैं, किस लिए? उनके एग्रीकल्चरल सेक्टर में मॉडर्नाइजेशन लाने के लिए। तो इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो कीनिया कंट्री को देंगे $250 मिलियन, और किस लिए? तो इनके एग्रीकल्चरल सेक्टर को थोड़ा और मॉडर्न बनाने के लिए। और ये जो कोलैबोरेशन है, ये डिसाइड किया हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और केन्या के प्रेसिडेंट विलियम सामोई रूतो ने, कि अब मिलके वो इन्हांस करेंगे बायलेटरल टाइज को डिफरेंट एरियाज में, जैसे कि डिफेंस, ट्रेड, एनर्जी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ केयर। ठीक है, इसके अलावा दोनों कंट्रीज ने 5 तरीके के पैक्ट्स को साइन किया है, जिसमें कि कोऑपरेशन प्रोवाइडेड होगा इन अ रेंज ऑफ एरियाज लाइक स्पोर्ट्स, एजुकेशन एंड डिजिटल सॉल्यूशन। इसी के साथ दोनों कंट्रीज ने अनवील किया एक ज्वाइंट विजन डॉक्यूमेंट, जिससे कि जो मैरीटाइम सेक्टर है हमारा वो भी इन्हांस हो सके, और इंडियन ओशन रीजन में कीनिया कंट्री मैरीटाइम एंगेजमेंट हमें प्रोवाइड करेगा। न सिर्फ यही, कीनिया ने ये भी डिसाइड किया है कि वो हमें ऑफर करेंगे लैंड इंडियन कंपनीज के लिए और इंस्टीट्यूशंस के लिए फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। इसमें स्पेशली बात करेंगे मिलेट्स की। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंट पैक्ट्स हैं जो इंडिया और केन्या कंट्री के बीच में साइन हुए हैं हाल ही में। अच्छा, इसके अलावा हाल ही में इंडिया और ओमान कंट्री ने भी डिसाइड किया है कि वो मिलके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे या स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि मिनरल फ्यूल्स, इनऑर्गेनिक केमिकल्स, कंपाउंड्स ऑफ प्रेशियस मेटल्स, आयरन और स्टील, ये सब चीज़ें इंडिया एक्सपोर्ट करेगा ओमान को, जबकि हम इम्पोर्ट क्या करेंगे? ऑयल, फर्टिलाइजर एंड प्लास्टिक्स वगैरह। ठीक है, तो जो इंडिया का एक्सपोर्ट है टू द ओमान कंट्री इन अप्रैल टू सितंबर फिनेंशियल ईयर 24, ये रहा $2 बिलियन पे, और इनका जो इम्पोर्ट्स था वो था $2.1 बिलियन। तो गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया कि जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं, इसके अलावा इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं, सीमेंट एंड सिरेमिक प्रोडक्ट्स हैं, रेडीमेड टेक्सटाइल और फुटवेयर वगैरह, ये सब कुछ अच्छी चीज़ें हैं जिनसे कि हम ट्रेड कर सकते हैं ओमान कंट्री के साथ। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया ने किस कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात शुरू करी है और ये कोई गल्फ कंट्री है, आंसर है ओमान। ओके, नेक्स्ट है, वॉट इज द ट्रेंड ऑफ साइबर क्राइम्स एंड इकोनॉमिक ऑफेंसेज इन 2022 एज कम्पेयर टू 2021। 2021 से अगर हम कंपेयर करें तो साइबर क्राइम्स और इकोनॉमिक ऑफेंसेज में हमें क्या ट्रेंड देखने को मिला, क्या ये इंक्रीज हुए या डिक्रीज हुए या फिर सेम रहे? तो जाहिर सी बात है, इसमें हम इंक्रीमेंट देखते हैं, और इंडिया ने देखा कि 24% तक साइबर क्राइम्स इंक्रीज हो चुके हैं 2022 में, इसको हम कंपेयर करें अगर 2021 से तो। और कुछ और कैटेगरीज ऑफ क्राइम, जैसे कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस, क्राइम अगेंस्ट सीनियर सिटीजन, अगेंस्ट वुमन, ये सब में भी हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है, और ये लेटेस्ट डेटा है जो कि रिलीज किया है NCRB ने, फुल फॉर्म नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। ठीक है, तो इनकी रिपोर्ट हाल ही में जारी हुई है जिसका नाम है क्राइम इन इंडिया। इनके मुताबिक 65,893 केसेस रजिस्टर हुए अंडर द साइबर क्राइम्स। इसी के साथ हमने देखा कि ये 24.4% का इंक्रीमेंट था, क्योंकि 2021 में ये वैल्यू कितनी थी, 52,974। और इसके अलावा NCRB के ही डेटा के मुताबिक टोटल 193,385 केसेस रजिस्टर हुए हैं अंडर इकोनॉमिक ऑफेंसेस, जिसमें कि हमें 11.1% का इंक्रीमेंट देखने को मिला। ठीक है, तो ओवरऑल जो भी साइबर क्राइम्स और इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं उनमें हमें एक तरह का इंक्रीज होता हुआ पैटर्न नजर आया। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा NCRB के डेटा के ही मुताबिक अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा स्टेट है जहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ कस्टोडियल डेथ्स देखने को मिली हैं 2022 में,
तो वो कौन सा स्टेट है? आंसर है गुजरात स्टेट। ठीक है, गुजरात में हमें सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ्स देखने को मिली हैं और गुजरात इसी के साथ टॉप मोस्ट स्पॉट पे रहा तीसरे साल लगातार। और इनकी रिपोर्ट के मुताबिक 14 ऐसे लोग हैं जो कि रिमांड पे नहीं थे और उनकी डेथ हो गई पुलिस कस्टडी में, मतलब कि लॉकअप्स में 2022 में। ठीक है, और इसी के साथ सेकेंड पोजिशन पर रहा राजस्थान और पंजाब एक साथ, क्योंकि इनके यहाँ पर ऐसी 3 डेथ्स देखने को मिली हमें। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि NCERB के डेटा के हिसाब से कौन सा स्टेट है जहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ कस्टोडियल डेथ्स मिली हमें इन 2022, तो आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन विच वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड इज एसोसिएटेड विद डैश। ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन किस चीज़ से रिलेटेड है? एक्चुअली जो स्पेशियल प्लानिंग होती है बाय द ग्राम पंचायत, इसको और ज़्यादा इनकरेज करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने लॉन्च किया है ये जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन जिसका नाम है ग्राम मानचित्र। और ये जो एप्लीकेशन है ये फैसिलिटेट और सपोर्ट करेगा ग्राम पंचायत को कि वो परफॉर्म कर सकें अपनी प्लानिंग को एट ग्राम पंचायत लेवल यूजिंग दिस जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी। इसी के साथ ये प्रोवाइड करेगा एक यूनिफाइड जियो स्पेशियल प्लेटफॉर्म ताकि बेहतर तरीके से विजुअलाइज किया जा सके डिफरेंट डेवलपमेंटल वर्क्स को जिन्हें हमें डिफरेंट सेक्टर्स में लेने चाहिए। और इसी के साथ ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम भी देता है फॉर ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। ठीक है, इसके अलावा मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया एम एक्शन सॉफ्ट जो कि एक मोबाइल बेस्ड सॉल्यूशन है जिसमें कि आप फोटोज को कैप्चर कर सकते हैं विद जियो टैग्स फॉर द वर्क्स विच हैव बीन असेट एज एन आउटपुट। ओके, तो जियो टैगिंग इन असेट्स की जाएगी डिफरेंट 3 स्टेजेस में। सिंपली याद रखिएगा ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन जिसको कि हाल ही में लॉन्च किया गया है ये किससे रिलेटेड है? आंसर है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की यहाँ पे बात करें तो ग्रास रूट लेवल इंस्टीट्यूशन के प्रोग्रेस को मेजर और एग्जामिन करने के लिए कि कितना ज़्यादा वो अचीव कर रहे हैं लोकलाइज्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को और कितना ज़्यादा वो करीब है SDG 2030 को अचीव करने में, मिनिस्ट्री ने रिलीज किया है एक रिपोर्ट ऑन पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो ये जो इंडेक्स है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर परफॉर्मेंस इवेल्युएशन एंड प्रोग्रेस असेसमेंट में इन अचीविंग द लोकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन द रूरल एरियाज। ठीक है, तो अंडर द रिवैम्प्ड RGSA मिनिस्ट्री ने इंसेंटिवाइज किया है बेस्ट परफॉर्मिंग पंचायत्स को थ्रू नेशनल पंचायत्स अवार्ड बाय एग्जामिनिंग देयर परफॉर्मेंस कि कितना ज़्यादा वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव कर पा रहे हैं टू जनरेट पॉजिटिव कॉम्पिटिशन अमंग द पंचायत। ठीक है, जिससे कि एक पॉजिटिव एटमोसफियर बना हो और एक हेल्दी कॉम्पिटिशन हो सके। तो अगर आपसे पूछा जाए कि PDI का एक्सपेंशन क्या है जिसको हाल ही में लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने, तो आंसर हो जाएगा पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स। ओके, नेक्स्ट है IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म इज एन ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल लॉन्च फॉर विच कैटेगरी ऑफ पीपल। तो इंटरनेशनल डे ऑफ पर्संस विथ डिसएबिलिटीज जिसको कि हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं 3rd December को, एक नया एक्सेसिबिलिटी विजिट लॉन्च किया गया एट द कर्मयोगी प्लेटफॉर्म। और इस विजिट की हेल्प से आपको ऑफर होगा यूजर फ्रेंडली फीचर्स जैसे कि स्क्रीन रीडर, स्मार्ट कॉन्ट्रास्ट, टेक्स्ट स्पेसिंग एट्सेट्रा। और ये ट्राई करेगा क्रिएट करने का एक इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल लर्निंग एक्सपीरियंस सभी के लिए। ठीक है, तो कर्मयोगी एक तरह का कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल है जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को गाइड किया जाता है कि किस तरह से वो अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग जर्नी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ये जो प्लेटफॉर्म है किसके लिए है? आंसर है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ठीक है, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने हाल ही में रोल आउट कर दिया है स्टार्टअप गेटवे फॉर गार्बेज फ्री सिटीज इन कोलाबरेशन विद स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर IIT कानपुर, जिसमें कि एप्लीकेशंस मंगवाए गए हैं फॉर द सेकेंड स्टेज ऑफ स्टार्टअप्स। ठीक है, तो ये जो कोलाबरेशन है इसकी हेल्प से स्टार्टअप्स को सपोर्ट मिलेगा जो कि काम करते हैं एट द नेक्सस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सोशल इनोवेशन, जिससे कि इंडिया के वेस्ट मैनेजमेंट चैलेंजेस को सॉल्व किया जाए बाय इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। तो अंडर द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज को लॉन्च किया गया 2022 में
जिससे कि जो भी इवॉल्विंग स्टार्टअप इकोसिस्टम है फ्रॉम द इंडियन वेस्ट सेक्टर उनको नर्चर और ग्रो करवाया जा सके। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है जिसने लॉन्च किया स्टार्टअप गेटवे फॉर गार्बेज फ्री सिटीज को, आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूशन हैज बीन पब्लिशिंग द इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट सीरीज सिंस 2001? कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो कि पब्लिश करता है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट को सिंस 2001? यहाँ पे आंसर हो जाएगा IDFC फाउंडेशन। तो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट ऑन अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को रिलीज किया हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंकैया नायडू ने अलॉन्ग विथ अमिताभ कांत, जो कि G20 शेरपा ऑफ इंडिया थे एंड फॉर्मर CEO ऑफ नीति आयोग। तो ये जो रिपोर्ट है ये कोलाबरेटिव एफर्ट है IDFC फाउंडेशन का, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कर्नाटका का एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। तो इसमें टोटल 25 चैप्टर्स दिए हुए हैं इनके डिफरेंट नेम्स के साथ इन द अर्बन डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इकोसिस्टम ऑन द करेंट स्टेट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट इन इंडिया। और ये जो सीरीज है ये इनिशिएट की थी IDFC फाउंडेशन ने 2001 में। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा IDFC फाउंडेशन। नेक्स्ट है, अराउंड 1000 माइग्रेटिंग बर्ड्स डाइड इन विच कंट्री आफ्टर कोलाइडिंग विद इल्यूमिनेटेड बिल्डिंग्स? कौन सी कंट्री में लगभग 1000 माइग्रेटिंग बर्ड्स की डेथ हो गई है बिकॉज ऑफ इल्यूमिनेटेड बिल्डिंग्स? यहाँ पे आंसर हो जाएगा USA। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 1000 माइग्रेटिंग बर्ड्स की डेथ हो गई शिकागो में आफ्टर दे कोलाइड विद इल्यूमिनेटेड बिल्डिंग्स। तो इस इंसिडेंट की वजह से अब कंसर्न रेज हो चुका है कि किस तरह से जो स्टॉप ओवर सिटीज हैं वो लेस हॉस्पिटेबल हो रही हैं फॉर माइग्रेटिंग बर्ड्स। फर्दर एक स्टडी में ये भी हमें पता चला कि हॉस्पिटेबल स्टॉप ओवर बहुत ही ज़रूरी है मास बर्ड माइग्रेशन के लिए। और लाइट पॉल्यूशन ना सिर्फ बर्ड्स को निगेटिवली इम्पैक्ट करता है बल्कि ह्यूमंस को भी, और ये ह्यूमंस का जो रिदम है उसको ब्रेक करता है जिसके बाद बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं जैसे कि डिप्रेशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड कैंसर। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज हमें कहाँ से मिली है? USA के शिकागो शहर से। ठीक है, नेक्स्ट है, JT-60SA द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर इज अ ज्वाइंट इनिशिएटिव बिटवीन द यूरोपियन यूनियन एंड विच अदर कंट्री? ये दुनिया का सबसे बड़ा और मोस्ट एडवांस्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है। आपको बताना है कि ये किस कंट्री और यूरोपियन यूनियन के बीच का ज्वाइंट इनिशिएटिव है? यहाँ पे आंसर हो जाएगा जापान। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा एडवांस्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है जिसने हाल ही में अपना ऑफिशियल ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है जापान के शहर में, और ये एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है बिटवीन द यूरोपियन यूनियन एंड जापान। ठीक है, तो ये 6-story हाई मशीन है बेसिकली जिसको कि नॉर्थ टोक्यो में फिलहाल रखा गया है, और एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बहुत ही नई टेक्नोलॉजी के साथ काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है जापान कंट्री। नेक्स्ट है, विच यूरोपियन कंट्री अप्रूव्ड अ बिल टू बैन डिस्पोजेबल इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट? कौन सी यूरोपियन कंट्री है जिसने एक बिल अप्रूव किया है हाल ही में जिसमें कि डिस्पोजेबल इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स को बैन किया जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो फ्रांस की पार्लियामेंट ने यूनानिमस तरीके से वोट किया है कि हमें बैन करना चाहिए सिंगल यूज इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स को बिकॉज ऑफ हेल्थ एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स। और गवर्नमेंट ने ही बताया कि जो ई सिगरेट्स हैं ये बैड हैबिट्स को इनकरेज करते हैं टीनेजर्स में, यही रीज़न है कि इसको बैन करने की बात की जा रही है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रांस। अच्छा, आपको बताना है कि कौन सी कंट्री है जहाँ पे ऐसे सभी लोग जो 2009 के बाद बॉर्न हुए थे, एक लॉ पास किया गया था जिसके अकॉर्डिंग ये सारे लोग कभी भी वहाँ पे लीगल तरीके से सिगरेट को परचेज नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाल फिलहाल इस लॉ को अब बैन करने की बात की जा रही है, मतलब अब ये वैलिड नहीं रहेगा। आपको बताना है इस कंट्री का नाम कौन सा है। नेक्स्ट है, उमरा इज अ पिलग्रिमेज एसोसिएटेड विद विच रिलीजन? ये जो प्रोसेस है या ये जो पिलग्रिमेज है ये किस रिलीजन के साथ एसोसिएटेड है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इस्लाम। उमरा एक इस्लामिक पिलग्रिमेज होता है टू मक्का। मक्का कहाँ है? सऊदी अरेबिया में, जिसको कि पूरे साल में आप कभी भी कर सकते हैं, मतलब कभी भी वहाँ जाया जा सकता है इस पर्पस के लिए। तो हाल ही में सऊदी अरेबिया ने इंट्रोड्यूस कराया है 96 आवर का स्टॉप ओवर वीज़ा इंडियंस के लिए जो कि ट्रेवल करते हैं वेस्ट या फिर मिडल ईस्ट में। क्यों करा है ऐसा सऊदी अरेबिया ने? अपने इनिशिएटिव के अंतर्गत सऊदी विजन 2030, जिसमें कि ये स्ट्रीमलाइन कराना चाहते हैं उमरा की विजिट्स को। और ये जो उमरा वीज़ा है ये 90 डेज के लिए वैलिड रहता है, जिसमें होल्डर्स को ये अलाउ किया जाता है कि वहाँ पे वो रिसाइड कर सकते हैं और ट्रेवल कर सकते हैं विद इन सऊदी अरेबिया
अगले 90 दिनों के लिए, जिसके बाद ये एक एफिशिएंट और कन्वीनियंट पिलग्रिमेज एक्सपीरियंस रहता है। ठीक है, सिंपली याद रखिएगा कि ये किस रिलीजन के साथ रिलेटेड है, आंसर है इस्लाम। किस लिए आजकल न्यूज़ में है, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने इंडिया के लिए इंट्रोड्यूस कराया है 96 आवर का स्टॉप ओवर वीज़ा। नेक्स्ट है, विच टेक्नोलॉजी कंपनी इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जिसका नाम है जेमिनी। तो गूगल ने इंट्रोड्यूस कराया है जेमिनी को एज इट्स मोस्ट केपेबल एंड जनरल मॉडल, और ये पहला वर्जन रहेगा इसका जेमिनी 1.0, जो कि ऑप्टिमाइज्ड रहेगा फॉर डिफरेंट साइजेस, अल्ट्रा, प्रो एंड नैनो। ठीक है, तो ये पहले मॉडल्स होंगे जेमिनी एरा के एंड द फर्स्ट रियलाइजेशन ऑफ द विजन, क्योंकि कंपनी ने फॉर्म किया था गूगल डीप माइंड इस साल के शुरू में। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गूगल। नेक्स्ट है, विच कंपनी इज एसोसिएटेड विथ द एक्सेलरेटिंग इंडियाज पोटेंशियल टू एड्रेस द ग्लोबल XR अपॉर्चुनिटी रिपोर्ट। ये रिपोर्ट किस कंपनी के साथ रिलेटेड है, आंसर है यहाँ पे मेटा। और ये जो टर्म होता है एक्सटेंडेड रियलिटी, इसमें कवर होती है वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड मिक्स्ड रियलिटी, साथ ही कुछ और टेक्नोलॉजीज भी इंक्लूडेड होती हैं। तो ये मर्ज करता है बेसिकली रियल एंड वर्चुअल वर्ल्ड को, जिसमें कि यूजर्स को प्रोवाइड होता है एक इमर्सिव एक्सपीरियंस। और इस रिपोर्ट के थ्रू इन्होंने बताया कि जो भी इंडिया के XR स्टार्टअप्स हैं वो ट्राई कर रहे हैं ग्लोबल सॉल्यूशंस को डेवलप करने का, जिसमें कि 76% ऐसे हैं जिनको सर्वे किया गया है वो सर्व कर रहे हैं दोनों ही डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्लाइंट्स को। तो ये जो टर्म है एक्सटेंडेड रियलिटी, इसमें कवर होती है वर्चुअल रियलिटी वगैरह, और ये मर्ज करता है दोनों ही वर्ल्ड्स को। ठीक है, तो सिंपली याद रखिएगा यहाँ पे आंसर है मेटा। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ड्राफ्ट ऑफ अ ग्लोबल क्लाइमेट एग्रीमेंट विच प्रेजेंटेड 3 ऑप्शंस टू टैकल फॉसिल फ्यूल। तो यूनाइटेड नेशंस ने रिलीज किया है लेटेस्ट ड्राफ्ट ऑफ अ ग्लोबल क्लाइमेट एग्रीमेंट, जिसमें कि 3 ऑप्शंस प्रेजेंट किए गए हैं टू टैकल द फॉसिल फ्यूल्स, जो कि रेंज होते हैं फ्रॉम फेजिंग देम आउट टू नॉट टॉकिंग अबाउट इट एट ऑल। ठीक है, तो जो पहला इसमें प्रपोजल है वो रिलेटेड है ऑर्डर एंड जस्ट फेज ऑफ फॉसिल फ्यूल के साथ। सिमिलरली जो सेकेंड कॉल है उसमें कुछ एफर्ट्स के बारे में बात की गई है कि किस तरह से हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स को फेज आउट करना चाहिए जिनकी वजह से एमिशन स्टोर होता है एनवायरनमेंट में, और इसी तरह से इनका थर्ड ऑप्शन भी कुछ क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। तो सिंपली यहाँ पे याद रखिएगा कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक ड्राफ्ट जारी किया ग्लोबल क्लाइमेट एग्रीमेंट से रिलेटेड, जिसमें कि 3 ऑप्शंस प्रेजेंट किए गए हैं फॉसिल फ्यूल को टैकल करने के लिए, आंसर है यूनाइटेड नेशंस। फिर इसी तरह से इंडिया, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका ने 5 और कंट्रीज के साथ मिलके 5 साल का ग्लोबल पेटेंट वेवर फॉर COVID-19 डायग्नोस्टिक एंड थेरेपोटिक्स को लॉन्च किया है। इनका मानना है कि ये सारे जो डायग्नोस्टिक वगैरह हैं ये ज़रूरी टूल्स हैं पैंडमिक से फाइट करने के लिए। ठीक है, तो सिंपली अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रिप्स एग्रीमेंट जो कि आजकल न्यूज़ में है ये किस इंस्टीट्यूशन के साथ रिलेटेड है, आंसर हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे ट्रिप्स का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है। आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, और मंडे से हम लोग वापस अपने रिवीजन को लेते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए अब आपके क्विज पे चलते हैं, जहाँ पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं, तो अब यहाँ पे आपकी टर्न है इनका आंसर बताने की। वीडियो को पॉज करिए, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कॉमेंट्स में, साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today। विद दिस मीनू हत्सना साइनिंग ऑफ।